हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपका CHS का स्कूल एंट्रेंस टेस्ट था क्लास 9th के लिए, तो उसकी दोस्तों आंसर की देखते हैं। दोस्तों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करना और लास्ट में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप किस कैटेगरी से हो और आप बॉय हो या गर्ल, ताकि उसके बेस पर दोस्तों आपके लिए कट ऑफ भी हम डिसाइड कर सकें। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। दोस्तों, GK का क्वेश्चन है, GDP एक विशेष वर्ग के दौरान उत्पादित डैश का कुल है। GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर था वो था दोस्तों सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर था। तो आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन था। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड वाला। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, यानी किसी देश का विकास है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, आपको बताना था। तो दोस्तों, ये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इसका औसत साक्षरता स्तर, अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री था, ए लैंडमार्क बाउंडेड बाय सी ऑन द थ्री साइड्स इज रेफर्ड टू एज, यानी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भाग, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, यानी कि प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, भारत का निचला हिस्सा प्रायद्वीप है, भारत पेनिनसुलर इंडिया उसको बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, द वाइंड ब्लोइंग इन द नॉर्थन प्लेन्स इन समर इज नोन एज, दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था जियोग्राफी का, उसको दोस्तों लू कहते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन ये भी करवाया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताना है। दोस्तों, इनमें से रीन्यूएबल है सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सोलर एनर्जी रीन्यूएबल है। ऑप्शन चार आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20, कौन सा दोस्तों G20 का सदस्य नहीं है, सऊदी अरेबिया अर्जेंटीना ब्राजील तीनों है, लेकिन ईरान नहीं है। ऑप्शन सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन है, नेम द कंट्री वेयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस, यानी उस देश का नाम आपको बताना था जहाँ पे पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन चार वाला आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है, विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, भारत का गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है। ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन करवाया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जयपुर यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है आपको बताना था। रिलेशन टू सोइल एंड प्रोस्पेरिटी, मिट्टी और समृद्धि से संबंधित होता है, यानी इसके संबंध से ये इसका प्रतीक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीन वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेन, यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन करवाया था, आपको बताया था, राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है भारत के, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन तीन वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर इलेवन है, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे जो पुराना ग्रंथ है वो कौन सा है, ऋग्वेद। ऑप्शन चार आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, When was our constitution adopted and enforced, भारत का संविधान को कब अपनाया गया। दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, वो यहाँ पे लागू भी लिखा हुआ है, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इन दोनों में से हो सकता है दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपके सही माने जाए, तो इन दोनों में से आपने जो भी लगाया वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारतीय संविधान के जनक हैं किसके कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन चार वाला आपका दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे दोस्तों फंडामेंटल राइट बताने आपको कौन से हैं, राइट टू इक्विलिटी समानता का अधिकार भी है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का भी, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी दोस्तों के यहाँ मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है दोस्तों, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क्स जनरली रिटन, यानी दोस्तों जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखे जाते थे सामान्यतः आपको बताने हैं। ये भी दोस्तों आपको करवाया था मैंने, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म की एक वीडियो डाली थी, तो पाली दोस्तों यहाँ पे पाली भाषा में वो लिखे जाते थे। तो ऑप्शन चार आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय,
जीरो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो सब जानते होंगे आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन तीन वाला दोस्तों सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय जी को दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला दोस्तों आपका सही उत्तर था यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये भी दोस्तों आपको करवाया था, मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान और हैदर अली कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन चार आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, कुतुब मीनार एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय, कुतुब मीनार है जो वो किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां, अकबर या चंद्रगुप्त? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इसका कार्य शुरू किया था, आगे जो इल्तुतमिश वगैरह आए थे उनके काल में दोस्तों ये खत्म हुई थी, आगे चलती नहीं थी, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको नहीं पता था वो यहाँ पे तुक्का भी मार सकता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, इसी के नाम पे मीनार का नाम है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आए हुए थे, अगर आपको नहीं आता तो आप तुक्का भी लगा सकते थे। उसके बाद दोस्तों साइंस के पोर्शन अब देखते हैं। रेड डाटा बुक दोस्तों आपको करवाया था, रेड बुक स्पेशल जो चैप्टर है, 7th चैप्टर था 8th क्लास में, इसकी स्पेशल वीडियो डाली थी मैंने सभी चैप्टर मतलब कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ये आपको 2-3 बार बताया था। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में दोस्तों जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी वाला आ जाएगा यहां पे। एंडेंजर्ड यानी कि संकटापन जो प्रजातियां होती है, लुप्तप्राय प्रजातियां इनको बोलते हैं, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ऑप्शन सी वाला आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों एक कंफ्यूजिंग टर्म्स है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ठीक है ना, मैंने कहा था आपको अच्छे से पढ़ लेना। जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जब उस चैप्टर की वीडियो में मैंने आपको कहा था बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों किसे बोलते हैं, ये दोस्तों पहले वाला हो जाएगा, वन्य जीवन पशु पादप जंतु संसाधनों के लिए संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। ऑप्शन फर्स्ट वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर एक्सटिंग्विश द फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, यानी पेट्रोल या फिर विद्युत के द्वारा जो आग लगती है वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे उसे बुझाने के लिए? तो ये भी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोसेस बाय विच स्टारफिश रीग्रोज इट्स मिसिंग बॉडी पार्ट इज, यानी प्रक्रिया जिसके द्वारा तारामीन अपने खोए हुए अंगों की पुनर्वृद्धि करती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? वो दोस्तों रीजनरेशन होती है, पुनर्जनन इसको बोलते हैं। ऑप्शन दो वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप यानी समस्थानिक किसके बोलते हैं? दोस्तों जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे सेम होते हैं उसको आइसोटोप्स बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एलईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। एलईडी की फुल फॉर्म दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड होती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी, तो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी बेसिक से क्वेश्चन है। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इज, फ्रिक्शनल फोर्स दोस्तों एग्जर्ट की जाती है फ्लूइड्स के द्वारा, तरलों के द्वारा, उसको कर्षण यानी कि ड्रैग कहते हैं, ड्रैग फोर्स। तो ऑप्शन दो वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, इंसेक्ट्स आर एबल टू क्रॉल ऑन वाटर सरफेस इन ए पॉन्ड ड्यू टू, यानी कीड़ों के तालाब की जलीय सतह पर नहीं सकने का कारण क्या है? दोस्तों वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, ठीक है ना, सरफेस टेंशन की वजह से जो कीड़े हैं तालाब की जो जलीय सतह उस पर रेंग सकते हैं। ऑप्शन फोर वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको बार बार बताया था, बहुत ही ईजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साउंड वाले चैप्टर का। डेसिबल किसकी यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, ठीक है ना, ध्वनि की तीव्रता की यूनिट होती है डेसिबल। तो ऑप्शन तीन वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, कैम्फर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट थ्रू प्रोसेस ऑफ, ये भी दोस्तों आपको करवाया था, कपूर के ठोस पदार्थ से गैसीय रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सब्लिमेशन इसको कहा जाता है। मैंने सभी आपको बताया था कि गैस से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए थे शायद 11th में या 9th वाले में बताया था कि गैस से लिक्विड में कौन सा होता है, लिक्विड से जब सॉलिड में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सभी करवाए थे। तो सब्लिमेशन दोस्तों जब कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ए रोड ऑफ ग्लास रब्ड विद सिल्क विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ड्यू टू डैश, यानी किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचेगी, तो दोस्तों उसमें चार्जेस आ जाते हैं, तो कौन सी फोर्स लगती है चार्जेस की वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल यहाँ पे लगता है। ऑप्शन तीन वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग द केन शुगर। केन शुगर को रंगहीन डीकलराइज करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? वुड चारकोल दोस्तों यूज किया जाता है, कास्ट चारकोल। ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, तो बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपको बताया हुआ था। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोल की दोस्तों प्यूरेस्ट फॉर्म शुद्धतम रूप क्या होता है कोयले का, ये आपको पता होगा एंथ्रेसाइट होता है। इसका भी ऑप्शन तीन वाला दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती? दोस्तों जब मैंने मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर आपको करवाया था तो ग्रुप में भी जो सीरीज होती है वो आपको भेजी थी, रिएक्टिविटी सीरीज, किससे क्वेश्चन बनता है इसको अच्छे से कर लेना। और उसी से दोस्तों एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के नीचे दोस्तों गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम होते हैं, ये दोस्तों इसको डिस्प्लेस नहीं करते क्योंकि इससे कम रिएक्टिव होते हैं, बाकी तीनों कर जाएंगे। तो ऑप्शन चार वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का 13 और उसका एटॉमिक मास है दोस्तों 27, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? मास नंबर बनाते हैं। मास नंबर 27 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो इसमें से सिंपली आपको ये माइनस करना था, 14 दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर आना था, यानी कि चार वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 ये भी दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, जो मैग्नीट्यूड है भूकंप का परिमाण है वो कहाँ पे मापा जाता है? रिक्टर स्केल पे, तो ऑप्शन दो वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द स्ट्रेस एंड फियर, तनाव और भय के समय में मानव शरीर के द्वारा कौन सा मतलब कि हार्मोन स्थापित होता है वो आपको बताना है। दोस्तों ये एड्रेनेलिन था, जो 11वीं का अभी बायो का मैं करवा रहा था उसमें आपको बताया था, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनेलिन ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, जब डर लगता है, तनाव होता है, स्ट्रेस, तो वहाँ पे ये रिलीज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो ओ वाला दोस्तों जो ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन चार इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया दोस्तों किसके द्वारा कॉज्ड किया जाता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, जो कि क्या है? प्रोटोजोआ होता है। ऑप्शन चार दोस्तों प्रोटोजोआ से आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज नॉट रबी, तो दोस्तों रबी खरीफ इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि पहले बहुत कम पूछा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको करवाया हुआ था सभी क्लासेज में। तो यहाँ पे आपको बताना था कौन सी रबी नहीं है आपको बताना था। दोस्तों जो कॉटन है, कपास, ये कौन सी खरीफ की फसल होती है? तो ये रबी नहीं है, ऑप्शन तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं मैथ का पोर्शन। मैथ में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, रेखा x = -2 ग्राफ पर किस बिंदु से होकर नहीं गुजरती? एक लाइन है दोस्तों x = -2, तो किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी? ये तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तुक्का भी आप मार सकते हो। आपको पता कोई भी पॉइंट होता है x, y होता है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू -2 दे दी, तो -2, y यानी ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन आगे -2 आएगा। इसमें -2 है, लेकिन तीन वाले ऑप्शन में दोस्तों 0 है, तो ये वाला पॉइंट मतलब इस पॉइंट से पास नहीं होगी। ऑप्शन तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दो बेलनाकार टैंक हैं, इसमें आपको क्या करना था मैं आपको बताता हूँ। दो बेलनाकार टैंक है दोस्तों, उनकी हाइट तो दोस्तों सेम दी हुई है, लेकिन जो इसकी रेडियस है वो अलग अलग दी है। इन दोनों से दोस्तों पानी है जो एक बेलनाकार दूसरा एक और बेलनाकार टैंक उसमें डाला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना था, इन दोनों की वॉल्यूम ऐड करके और इसकी वॉल्यूम के इक्वल रखनी थी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे πr²h + πr²h, अब r अलग अलग होगी यहाँ पे, ठीक है ना, और = πr²h, यहाँ पे भी अलग आपको r लेनी थी। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों सोल्व करोगे तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास दोस्तों यहाँ पे एक आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वेयर प्लस के 12 का स्क्वेयर, और यहाँ पे दोस्तों 7 कॉमन आएगा, और इस साइड बनेगा दोस्तों h का स्क्वेयर और 7 यहाँ पे 13 दिया हुआ है h, ठीक है ना। हाइट इसकी दी हुई है 13, तो 13 का स्क्वेयर, रेडियस दी हुई है 13, तो 13 का स्क्वायर × 7 आ गया, ठीक है ना, इंटू क्या गया, एच मानना था यहाँ पे, ये तो 7 बाद में निकलता, कैसे निकलता, 5 का वर्ग और 12 का वर्ग 13 के वर्ग के इक्वल होता है, तो कट जाता और एच की वैल्यू दोस्तों 7 यहाँ पे आ जाती है। तो इस प्रकार आपको करना था। ये ऑप्शन बी वाला दोस्तों 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों इजी क्वेश्चन था, सिंपली आपको डिवाइड करना था। डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा दोस्तों, 3y 5 - 7, यानी कि दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 ये भी दोस्तों
इसमें भी आपको प्रॉपर्टी लगानी थी, ठीक है, फॉर्मूला लगाना था। इसको जब आप सोल्व करोगे दोस्तों तो आपको 41 यहाँ पे आंसर आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 41 टू वाला यहाँ पे आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में दोस्तों ये भी सिंपली आपको सोल्व करना था। फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने थे, एक तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, और एक दोस्तों जो क्यूब वाला फॉर्मूला था वो वाला यूज़ होना था। तो उससे दोस्तों आपका -380 -380 आंसर आना था। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 ये आपको क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, एक ही क्लास ली थी उसमें बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, स्क्वेयर करना होता है। ये सीधा इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, के स्क्वेयर माइनस के 2k, ठीक है ना। के कितना है? 4, तो 4 का स्क्वेयर 16 माइनस के यहाँ पे सॉरी माइनस के 2 आएगा, तो 16 में से 2 गए 14, यानी कि ऑप्शन दो वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन आपको करवाया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 46 वाले का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 ये भी दोस्तों एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था एरिया वाले चैप्टर से। ये भी ईजी था अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ रखा है तो, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझना था। इसका दोस्तों जो राइट आंसर आया है वो है 75 मीटर, ठीक है ना। 75 मीटर लंबी भुजा आपको निकालनी थी, 75 आई, छोटी आएगी 50, बड़ी यहाँ पे पूछा है, तो 75 मीटर ऑप्शन दो वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने दोस्तों 50 लगा दिया होगा, एक्स मान के छोटी निकाल ली, लेकिन बड़ी निकालनी थी, डेढ़ गुना करना था, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, सूरज से पृथ्वी तक की दूरी आपको दी हुई है, और पृथ्वी और मून के बीच की आपको दूरी दी हुई है। इसने कहा है जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मून दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। तो पृथ्वी और सूरज की दूरी पता है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी पता है, तो सूरज और चंद्रमा की दूरी बतानी थी। तो यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी और अर्थ की, पृथ्वी और सूरज की दूरी है, उससे पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी आपको घटाना था, माइनस करना था, थोड़ा सोल्व करना था। जब आप दोस्तों माइनस करके इसको सोल्व करते तो 1492.16 × 10^8 मीटर आपका दोस्तों फर्स्ट वाला यहाँ पे आंसर आना था। तो आपको मैच कर लेना, ठीक है ना, आपका यही आया है नहीं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, इसमें बताना था कि कोई इंसेक्ट है वो पोल पे चढ़ता है 5.5 मीटर वाले, तो जब वो चढ़ेगा पहले 2 मीटर चढ़ता है दिन में और शाम को रात को 1 मीटर नीचे आता है। अगर यहाँ पे दोस्तों मान के चले 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 5.5, तो 2 चढ़ा नीचे आ गया, फिर 2 चढ़ा नीचे, फिर 2 नीचे, फिर 2 नीचे, फिर चढ़ेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ डे चढ़ा दोस्तों। तो ऑप्शन दो वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 ये दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन आया था आपका लीनियर इक्वेशन से। सिंपली इसको सोल्व करना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 50 वाले में 21 आएगी, ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 51 ये भी दोस्तों ईजी क्वेश्चन था लेकिन कन्फ्यूजिंग था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा जो है सही नहीं है। ये दोस्तों फॉर्मूले तीनों सही हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला दोस्तों गलत दिया हुआ है, दूसरे वाला। तो दूसरे वाला दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 आप यहाँ पे देख सकते हो, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो 1000 आएगा। तो आप अपना मैच कर लेना दोस्तों, आपका कितना क्वेश्चन इसका आंसर आया, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 ये भी दोस्तों इनके तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको सिंपली क्या करना था, 5% की इंक्रीमेंट हुई है, तो 5% यानी 105/100 के साथ गुना करना था किसका, 50,000 का। तो ऐसे करने से दोस्तों आपके पास आंसर क्या था, 52,500 आता। ऑप्शन 4 वाला दोस्तों आपका है इसका सही उत्तर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 आपको बताना था 2023 में क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो 2023 के बाद दोस्तों 2025 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो कि कितना जोड़ने पे आएगा, 2 जोड़ने पे, तो 2 ऑप्शन 4 वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये भी वर्ग वाले चैप्टर से इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसने कहा है कि जितनी रो होगी उतने कॉलम्स होंगे, तो एक रो में कितने हैं, यहाँ पे आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ा हुआ कि हर पंक्ति में दोस्तों क्या है, सेम इसको पेड़ लगाने, पौधे लगाने हैं। तो इसने कहा कि 10 क्या है कॉलम है, तो रोज भी फिर 10 होगी, तो यानी टोटल पेड़ कितने बने दोस्तों, 100 बने। पर इसी प्रकार के दोस्तों इसने 4 ब्लॉक बनाने हैं, तो 4 की 100 के साथ गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। ऑप्शन 3 वाला आपका इसका सही उत्तर था, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। तो 1/2 की पावर -2 है, उल्टा करेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगी, 1/2 की पावर -1 उल्टा करेंगे 2 की पावर 1, और 0 का तो 1 आ जाता है, किसी की पावर 0 1 आता है। तो 2 और 2 4 2 6 6 2 2 4 फिर 4 में 2 जुड़ेंगे 6 और 1 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन 3 वाला दोस्तों 7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 अभी दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आप आंसर मैच कर सके और मुझे बता सके, ठीक है ना। अगर आप फुल इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों 6 डिजिट का आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोस्तों 9 से भाग होगा, कब होगा, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है दोस्तों। 9 से वो संख्या भाग होती है जब उसके अंकों का जोड़ भी 9 से भाग हो। अब इसको जोड़ो, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20,
तो 20 प्लस एक्स दोस्तों ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। 20 के बाद दोस्तों जो नंबर आता है 9 से भाग होने वाला वो 27 आता है। 27 दोस्तों 9 से भाग हो जाता है। अब 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 7। तो 7 ऑप्शन 4 में लिखा है, ऑप्शन 4 वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, ये भी दोस्तों एक ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, सोल्व करना था। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों 3 वाला आएगा, 3/2 दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों यहाँ पे ये तो बाय ऑप्शन भी आप कर सकते थे दोस्तों, ठीक है ना। 84 में 48 जोड़ेंगे 132 बनेगा, ऑप्शन सेकंड वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 59 का, ठीक है। बाय ऑप्शन भी आप इसको कर सकते थे। यहाँ पे आपको इसमें इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों, कोई भी दो रैशनल नंबर हो ना उनके बीच में इन्फिनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पे भी रैशनल नंबर की बात की गई है, नेचुरल नंबर के बीच में भी इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर के बीच फाइनाइट लिखा है ना, फाइनाइट नहीं होते इन्फिनाइट होते हैं। तो तीसरे वाली स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट है। तो तीसरे वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पे मैच कर सकते हो ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, अब दोस्तों ये हमारे चले गए हिंदी का पोर्शन, ठीक है ना। अब ये हिंदी वाला पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो मैथ वाला आप खत्म हो गया। अब हिंदी का दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो पहले जन्मा हो या फिर बड़ा भाई उसको दोस्तों अग्रज बोलते हैं, और बाद में जन्मे वाले को छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अग्रज ऑप्शन 4 वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अहंकार का पर्यायवाची, अहंकार का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, दर्प होता है। तो ऑप्शन 4 वाला आपका यहाँ इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अरबी, अरबी भाषा का शब्द दोस्तों इनाम होता है, तो इसका भी ऑप्शन 4 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अल्पविराम, अल्पविराम दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, कोमा दोस्तों 3 वाला, इसी को अल्पविराम बोलते हैं, तो 3 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद घोष वर्ण, ये दोस्तों मैंने आपको बताए थे वर्णों के बारे में अच्छे से, ठीक है ना। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरे चौथे और पांचवें दो जो वर्ण होते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग के, उनको घोष बोलते हैं, ठीक है ना। ये सघोष या घोष बोलते हैं, अघोष बोलते हैं पहले दूसरे वाले को। तो तीसरे वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 क्या है दोस्तों, भाषा कैसी होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, 3 ऑप्शन हो जाएगा। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता वो भी तुक्का मार सकता था। कैसे, आपको पता है स्वर कम होते हैं, तो सबसे छोटी संख्या 11 है, 25 तो होंगे नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 11 दोस्तों स्वर होते हैं, और आपको बताया भी था स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। तो इसका भी 3 और इसका भी 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 और 69, महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। महाभारत पुस्तक के लेखक जो आपको वीडियो बनाई थी पुस्तक वाली, उसमें भी बताया था वेद व्यास जी महाभारत के, ठीक है ना। सभा, संघ, सेना, ये तीनों दोस्तों के यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो हिंदी दोस्तों आपकी बहुत ही ईजी आई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों पंचवटी में प्रयुक्त समास, तो पंच पाँच आ गया, तो मैंने बताया था जिसमें संख्या आ जाए द्विगु होगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। श्रृंगार रस, ये तो दोस्तों इसका तो स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि सभी जो रस है उसके स्थाई भाव आपको याद कर लेने हैं। श्रृंगार का दोस्तों प्रेम यानी रति हो जाएगा, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे बताना है, प्रातःकाल घूमना चाहिए, ये दोस्तों शुद्ध होगा। के समय को में नहीं, यहाँ पे कारक नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो पहला आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, पूजनीय होता है दोस्तों, पूज्य नहीं है, ये पूजनीय है, ये पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है। ऑप्शन 1 वाला आपका सही होगा, ठीक है ना। पूजनीय होता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना यानी चापलूसी करना होता है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। पढ़ने वाला दोस्तों पाठक होता है, ठीक है ना। पढ़ने वाला पाठक, लिखने वाला लेखक, ठीक है ना, वक्ता बोलने वाला होता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 76 क्या है, मेरा घर शहर से दूर है, तो शहर से दूर है, कारक आपको बताना है। इसमें दोस्तों अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म है ना, कर्ता ने कर्म करण से, इसके पीछे भी से लगता है, लेकिन मैंने दोस्तों आपको बार बार बताया है कि करण के पीछे भी से लगता है, अपादान के पीछे भी से लगता है, और इन दोनों का दोस्तों मैंने अर्थ भी बताया था कि आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। करण से जब दोस्तों दूर होने का भाव होता है ना, तब अपादान से लगाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देके आपको बताया था, और जब से को हम दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ जैसे मैं यहाँ पे मेरा घर शहर द्वारा दूर है, तो द्वारा मैं नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्वारा से रिप्लेस नहीं कर सकता, उसने कलम से पत्थर लिखा, उसने कलम द्वारा पत्थर लिखा, यहाँ पे करण होगा, लेकिन इसमें दोस्तों अपदान होगा, तो फर्स्ट वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। 77, क्षेत्रीय भाषा में डुडाडी बोली, डुडाडी बोली दोस्तों जयपुर की होती है। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यथाशक्ति, ये तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है ना। यथाशक्ति में कौन सा होगा, अव्ययी भाव, क्योंकि यथा का यूज हुआ है अव्ययी भाव। ये भी सेम क्वेश्चन आपको करवाया था, अंतस्थ व्यंजन सभी बताए थे, ये यरल दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो फर्स्ट वाला दोस्तों इसका भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्वागत, ये भी दोस्तों करवाया था, सेम क्वेश्चन आपको ध्यान में होगा। सुआगत, सु प्लस आगत को क्या बनता है दोस्तों, स्वागत बनता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81,
क्वेश्चन नंबर 81 में दोस्तों आपको क्या बताना है, मिस स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। रेडिएंट, प्रोमिनेंट और इंट्रेपिड, इनकी स्पेलिंग सही है। ब्रिलियंट की स्पेलिंग दोस्तों ई नहीं आएगा, एल आई के बाद ए आता है, तो आपका गलत, ये मिस स्पेल्ट है तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी मिस स्पेल्ट बताना है। एग्जैग्रेशन की स्पेलिंग आपको बताई थी मैंने, डबल जी आता है तो ये इसमें गलत दी हुई है, तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83, 84, 85, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको रूल बताया था जिनसे क्वेश्चन आता है, नेदर, एदर और नेदर नोर मैंने बताया था, ईच ऑफ बताया था, ठीक है ना, उसी से क्वेश्चन आ गया। तो मैंने बताया था जब भी नेदर नोर, नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगती है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, तो वर यहाँ पे गलत लिखा है, तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ईच ऑफ बॉयज, तो ईच जब भी आ जाए, मैंने आपको बताया था सिंगुलर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर लिखा है ये बिल्कुल सही है, तो नो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ईच ऑफ के बाद अगर प्लूरल लिखा हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर लिखे बाज ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ही गोज टू ऑफिस बाय फूट, दोस्तों बाय फूट नहीं होता, ओन फूट होता है, क्या होता है, ओन फूट, वह पैरों पे गया ना, तो ओन फूट लिखते हैं ना कि बाय लिखते हैं, तो 3 वाला दोस्तों आपका एरर है, ठीक है ना, तो 3 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेज बैक टू योर पेरेंट्स, दोस्तों विशेज के बाद हम बैक नहीं लगाते, सीधा टू लगाते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ कन्वे मई बेस्ट विशेज टू योर पेरेंट्स, तो टू योर पेरेंट्स आएगा ना कि बैक टू, तो 3 वाला दोस्तों आपका 86 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, डोंट मिक्स विद द बैड हैट्स, बैड हैट्स दोस्तों एक idiom है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, द पीपल ऑफ बैड करेक्टर, पीपल ऑफ बैड करेक्टर बुरे व्यक्ति, बुरे चरित्र वाले आदमी मान सकते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है ना, 88 और 89, यहाँ पे दोस्तों ए रेड लेटर, इसका आपको बताना है क्या होगा। ए रेड लेटर दोस्तों हम उस डे को, ए रेड लेटर डे उस दिन को बोलते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल डे होता है, यानी कि मोमेंटस डे, आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 89 ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन यानी दोस्तों बुरी तरह से दुखी हो जाना, टूट जाना, ठीक है ना। यानी दोस्तों इसने क्या लिखा है, किरमेश ब्रोक डाउन हो गया जब उसने अपने बेटे की डेथ की खबर सुनी, तो दोस्तों यहाँ पे आप बाय ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं, लाफ्ट लाउडली बिल्कुल नहीं होगा, हंसेगा नहीं, है ना, स्टॉप्ड स्माइलिंग ये थोड़ा बात नहीं बन रही, तो वेप्ट बिटरली यानी बहुत ही बुरी तरह से वो रोने लगा, तो 3 वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, राकेश इज साइकोफेंट, साइकोफेंट का दोस्तों आपको क्या बताना है यहाँ पे, नियरेस्ट मीनिंग यानी कि इसका सिनोनिम आपको बताना है साइकोफेंट का, दोस्तों साइकोफेंट का जो मीनिंग होगा वो होगा फ्लैटरर, ऑप्शन 2 वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 91 वेरासिटी का दोस्तों आपको यहाँ पे क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, वेरासिटी का हो जाएगा दोस्तों ट्रूथफुलनेस, ऑप्शन 1 वाला, और यहाँ पे दोस्तों वेन्यूज का बताना है, इसका हो जाएगा साइट्स 2 वाला, तो आप आपके पेपर में आप इसको मैच कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बताना है, अंडर 9 वर्ड का क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग, ठीक है ना, बेनिवोलेंट, ठीक है ना, अशोक वाज बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट दोस्तों यानी कि जो दयालु टाइप का होते हैं उसे बोलते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा मर्सीलेस, जो कि निर्दयी होता है, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 और 95, यहाँ पे दोस्तों होस्टाइल, होस्टाइल का उल्टा क्या होता है, ठीक है ना, होस्टाइल यानी दोस्तों एक गुस्से वाला आप मान सकते हो एटीट्यूड, तो इसका हो जाएगा फ्रेंडली, ऑप्शन 3 वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल, मटेरियल का दोस्तों उल्टा होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, माई डॉटर इज ए लर्निंग टू प्ले द वोलिन एट हर स्कूल, तो द यहाँ पे आ जाएगा, आई बोरोड ए पेंसिल आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। द डेथ, डेथ डेथ के साथ दोस्तों एक आपने सुना होगा लाइफ स्पैन होता है और डेथ टोल होता है, डेथ टोल हैज राइजन, तो टोल आएगा, ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100, वी रिक्वेस्ट पेशेंट्स विद इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस टू मास्क अप, विद ई एल आई एल आई यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो इसके साथ विद लगेगा, ऑप्शन 3 वाला आपका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट, राधा हैज रिटर्न टू हर होम टाउन, तो 2 यहाँ पे लगेगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 100 के 100 क्वेश्चन थे, मैंने आपको आंसर की यहाँ पे बता दिया है, अब आपने दोस्तों कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप किस कैटेगरी से बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है ना। तो जल्दी आपको दोस्तों कट ऑफ के रिगार्डिंग भी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी, तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिन्होंने भी दोस्तों स्कूल एंट्रेंस टेस्ट ये 2023 वाला दिया है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।